कि हमने साहू जी महाराज की जयंती भी मनाई है। तो साथियों ये अभी तक हमारा कार्यक्रम आपके सामने रिपोर्ट रखना जरूरी है। इस साल हमने कार्यक्रम बनाया है 250 बस्तियों में हम जन जागरण करेंगे। वाल्मीकि और रविदास बस्तियों में 250 बस्तियों में और हमारी जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है हमारा परिवार हमारे साथ नहीं है, हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं है इस लड़ाई में, हमारा बेटा हमारे साथ नहीं है, बेटे की बहू हमारे साथ नहीं है, बेटी हमारे साथ नहीं है, उनको साथ लिए बिना हम लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। इसलिए हमने दूसरा कार्यक्रम के साथ साथ बनाया कि 250 बस्तियों को भी तैयार करेंगे और 2,500 फैमिलियों को भी तैयार करेंगे। 2,500 फैमिलियों को मैं खुद व्यक्तिगत 100 फैमिलियों से मिला हूं, इधर बैठी है फैमिली बहुत सी आई हुई, 100 फैमिलियां हमारे घरों में दुख और गरीबी रहनी नहीं चाहिए। ना दुख ऊपर से आता है, ना सुख, ना धन, ना दौलत, ना गरीबी, केवल हमारा व्यवहार परिवार के साथ, केवल हमारा भाषा एक दूसरे के लिए, केवल हमारा सामूहिक उद्देश्य एक बन जाए परिवार का, तो उस परिवार में सुख और संपन्नता ऐसे बरसेगी जैसे आज मोदी जी के माध्यम से इसके यहाँ पर अडानी के यहाँ पर बरस रही है। अडानी के यहाँ पर ऐसे बरसेगी, इतनी दौलत है। तो हर परिवार को हम तैयार करेंगे इस साल, 2,500 परिवार 250 बस्तियों को तैयार करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है, मौत सबकी निश्चित है, हमारी भी निश्चित है, ज्यादा दिन का टाइम नहीं है, हमारा भी रिटायर्ड आदमी है, हम भी जाने से पहले अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा प्लेटफार्म बना के छोड़ के जाओ, अगर हम लड़ाई ना भी जीत सके तो आने वाली हमारी पीढ़ी इस लड़ाई को जीत के दिखाए, जीतने में उसको दिक्कत ना। तो आपको एक अवसर है, हर एक को अवसर नहीं मिलता, अरे सैकड़ों लाखों करोड़ों को करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का आपके पास अवसर है। आप उनका जीवन बदल सकते हो। आप घर से बाहर निकलो, मोहल्ले को तैयार करो, परिवार को तैयार करो, जो लोग इस काम में लगेंगे उनके परिवारों को तैयार करने की जिम्मेवारी इस संगठन की होगी।